चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से। यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गाँव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूची बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ़, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोय सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है।
इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे ये पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी, ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुरे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूंगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा।
प्रणाम। अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं, फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम बिना कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। Awesome! अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। Cool! ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सली कुछ रखते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब
मुझे पिज्जा चाहिए। ओ हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स, ओह तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्किटल्स, मुझे यह पसंद है। मैं इसे फिलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओ नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? ये मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बोन एपिटीट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे एक केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छा से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक से को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। यह एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी।
और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो तो आइसक्रीम तैयार है, इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम। मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह, और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ, ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। पर कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? ये अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है, मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, ये अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। हाँ, मैं जीत गया। इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए, उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो एमा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटलफिश इंक का उपयोग करूँगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो, और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ, इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउथी डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है, और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। वाह, इतने सारे डिशेस, मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे यह हमेशा पसंद आता है।
और सबसे अच्छा डिश कैसे चुन। अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है, पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि यह स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म, मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नैचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी, ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है, कितना स्वादिष्ट है। बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए, यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से दो टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसे डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपिटी बॉबी, जल्दी से चक्कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओ वाह, ओ वाह, मैं क्या देख रहा हूँ, नैचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई, ये माल्टेसर्स कैंडीज। ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया, यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो।
मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में ये फाइनल टच बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, ये अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। यह एक सीक्रेट है, अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर अब मैं कर रही हूँ, एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है, चक्कर बताओ। वाह खुशी के साथ, कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह एक असली इंद्रधनुष, इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है, और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी, ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ केक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। ये